हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू वाचिंग नितिन मिश्रा। और यार, आज की वीडियो ना कि है इंटरेस्टिंग, ना ही है इंपॉर्टेंट, है बहुत हेल्पफुल। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देते भैया, हर वीडियो में डालते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, सारे क्लासेस हैं, मतलब मोस्टली तुम सारी देख सकते हो वीडियो तो, ठीक है, पर मोस्टली फोकस है 9th और 10th वाले बच्चों के लिए, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि 9th 10th में कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वीडियो बनाऊं। तो मेरे पास जेई के ऊपर काफ़ी आया था, जेई और क्लैट और यूपीएससी। मैं बहुत शॉक था कि मतलब इतने 9th 10th से तुम इतने कंसर्न हो अपने फ्यूचर को लेकर, मतलब आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो आज वो अपने होम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे, मतलब जो जेई और नीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में और भी सीरीज आएंगी, ठीक है, क्लैट और यूपीएससी के बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट कुछ वीडियोज में। ठीक है, तो आज मैं जेई नीट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फाउंडेशन बुक्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्लास टेंथ बोर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्लास टेंथ बोर्ड को दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है, और बहुत कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत से तक अच्छे से देखना, जिनके पास टाइम अभी नहीं हो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, वॉच टाइम का भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम देख रहे हो वीडियो तो बस नीचे लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, उसमें तुम्हारा प्यार दिख जाएगा मुझे। तो इस वीडियो का टारगेट रख देते हैं 500 लाइक्स, ठीक है, क्योंकि मेरे लास्ट 5 वीडियोज में 500 लाइक्स तो पहुंच ही गए थे, तो इस वीडियो में 500 लाइक्स तुम्हें पहुंचाने, तो कर देना लाइक, और जो नया आया है चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो। सर देखो, मेरी पहली बात समझो, पहली बात अपनी है इंटरेस्ट। ठीक है, मोस्ट बच्चे यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको या तो इंटरेस्ट होगा क्लास 10th 9th से जेई की तैयारी करने में, या तो वो पीसीएम देने वाले उनके घर वालों को कहने से, इसलिए वो वीडियो देख रहे हैं। तो पहली बात, अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करो असली में, कि तुम्हें फैमिली के इन्फ्लुएंस में पीसीएम नहीं लेना, तुम्हें खुद से तुम्हें मन लगता है तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने में, इसलिए तुम्हें पीसीएम लेना है। ठीक है, नहीं तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो फैमिली के इन्फ्लुएंस में पीसीएम ले लेते हैं और उसके बाद फिर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, या फिर कोई और चीज कर रहे होते हैं वहां से। ठीक है, तुम्हें यूपीएससी करनी है, तुम्हें आईआईटी से निकल के यूपीएससी करनी है तो चलेगा, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, पर अगर तुम्हें पीसीएम में इंटरेस्ट होना चाहिए, पहली बात यही है। ठीक है, तभी जाके मैं तुम वीडियो आगे कंटिन्यू करना। जो सेकंड पॉइंट यार वो है कि भैया कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें, ठीक है, 9th 10th से जेई तैयारी के लिए। तो यार देखो, मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने 9th 10th में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, मैंने ज्वाइन करी खुद से नहीं थी, मेरे घर वालों ने मुझे पटक दिया था कोचिंग में कि तू घर पे क्या करता रहता है। तो मेरे केस में तो यार वो काफी अच्छी वर्क करी थी। ठीक है, क्योंकि कोचिंग तो मैं कुछ नहीं करता यार, बस तुम्हारा थोड़ा माइंड है उसको खोल के दे देता है। ठीक है, मेरा माइंड मैं पहले चलाता नहीं था, मतलब पढ़ता नहीं था, अब कोचिंग में जाने का वो मुझे पढ़ाने लग गया, अच्छे से पढ़ाने लग गया, मुझे चीज़ें समझ आने लग गई, मैं प्रैक्टिस करने लगा, तो बस अपना अच्छा होता चला गया उसमें। तो अगर तुम कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन कर लो कोचिंग, कोई तुम्हारा बिगाड़ता नहीं है, वो तुम्हें और अच्छा एक्सपोजर मिल देगा, ऐसे लोगों से तुम मिलोगे जिनका सिमिलर टारगेट है, ऐसा पता चलेगा कि तुम कितने पीछे हो उस रेस में जिस रेस में इतने सारे लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो उससे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है 9th 10th में। ठीक है, तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हो, NTSC हो गई, ठीक है, JSO हो गया, तुम्हें पता चलता है कि एग्जाम की तैयारी करी कैसे जाती है असली में। ठीक है, कि मुझे NTSC निकालना है तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर बैठ के वहां पे क्या सोचना पड़ता है। ठीक है, ये सब तुम्हें चीजें सीखने को मिलती है। पर अगर तुम नहीं कर सकते ज्वाइन, जो मेन लोगों की दिक्कत होगी कि भैया मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या, तो यार देखो, मेरे को तो ये चीज बहुत लेट पता चली कि YouTube से पढ़ाई की जा सकती है। ठीक है, तो तुम YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, जो 9th 10th की बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, तो वो देख सकते हो तुम। फाउंडेशनल बुक्स आती है, ठीक है, पियर्सन की फाउंडेशन बुक्स आती है जो कि IIT लेवल की थोड़ी बहुत होती है, वो सॉल्व कर सकते हो 9th 10th में बैठ के। ठीक है, तो मैं मेनली फोकस देखो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पे करना है अगर तुम्हें IIT या फिर बायोलॉजी, अगर तुम्हें JEE और NEET निकालनी है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में बात करूं मैं, तो तुम्हें मैथ्स के लिए ऑडिशन में फॉलो करनी है, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, 9th 10th के बेसिक्स तुम्हारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, सभी करते हैं मतलब वो, तो केमिस्ट्री और सारी जितनी साइंस के सब्जेक्ट है उनके लिए तुम्हें एस चांस पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें खोल के रखता है। ठीक है, ऐसे NCERT में ऐसी छुपी रुस्तम है, NCERT बोलूँ तो, ठीक है, मतलब ऐसे तुम ढूंढ लो अगर ढूंढना है, ऐसी मतलब बोलती है NCERT। एस चांस वो हर लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करता है, तुम्हारे दिमाग में अच्छे से सब चीज़ें फीड हो जाती हैं, तो तुम ये दोनों चीज़ें फॉलो कर सकते हो। बात करूँ मैं कोचिंग और भैया फाउंड, अगर मैं कोचिंग में हूँ तो फाउंडेशन करूँ कि नहीं करूँ, तो यार देखो, अगर तुम किसी कोचिंग में हो तो स्ट्रिक्टली फॉलो देयर आइडियोलॉजी, स्ट्रिक्टली फॉलो देयर मटेरियल, स्ट्रिक्टली फॉलो देयर टेस्ट। बट इफ यू आर नॉट इन एनी कोचिंग, देन यू कैन डू योर यूट्यूब स्टफ, और मतलब जो भी तुम्हारे दूसरे जो काम हो तुम कर सकते हो, जैसे पियर्सन की फाउंडेशन बुक्स हो गई और ये सब। ठीक है, पर ऑडिशन और एस्चान वेस्टर्न इज मस्ट अगर तुम जेई तैयारी कर रहे हो और तुम्हें IIT की तैयारी करनी है। जो नहीं कर रहे हैं, जिनको IIT की नहीं भी तैयारी करनी है और जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा करना है, वो भी कर सकते हैं इस चीज़ों को। तो ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी कोचिंग सिस्टम और फाउंडेशन बुक्स के ऊपर।
थर्ड जो सेकंड बात है वो है कि भैया थर्ड जो अपनी बात है वो है कि भैया मैं क्लास 11th का सिलेबस कवर कर लूँ क्या 10th में ही। तो यार देखो मैं बोलूँगा अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। पर तुम्हारा 10th का तुम्हारा सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, तुम्हें हर चीज़ समझ आनी चाहिए, तुम्हें मैथ्स के फॉर्मूले आने चाहिए, तुम्हें अपनी मैथ्स पूरी पकड़ होनी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स और इस चीज़ों पे, ठीक है। जब 10th अच्छे से कंप्लीट हो जाए तभी 11th का उठाना, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ यार पर्सनली तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और कुछ मैं अवंती गुरुकुल एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। ऐसी मतलब शो ऑफ करने में अच्छा लगता है, ठीक है, कि मतलब यार 11th पढ़ रहा हूँ, तुम लोग 10th में फंसे हुए, मैं 11th पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइंस पढ़ लिया था, ठीक है, वैसे क्लास में काफ़ी इज्जत मिलती थी, ठीक है, ऐसे शो ऑफ करने में मज़ा आता है, तो बताऊँ, ठीक है, ये बच्चे वाली बात हो गई, पर ठीक है, तो मतलब ये ऐसे ही मैंने थोड़ा ऐसे ही बता दिया, पर तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। 11th बिल्कुल करना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं बोलूंगा मैं, पर अगर तुम करा जा सकता है तो तुम करो, बिल्कुल करो, ठीक है। 10th का सिलेबस जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो, जैसे मैंने 9th में थोड़ा बहुत 10th कर लिया था, 10th में थोड़ा बहुत 11th कर लिया था, और फिर 11th 12th में सीरियसली फोकस एक एक क्लास पे किया, ठीक है। तो तुम ये अरे यार ठीक है इतना क्यों बोलता हूँ मैं, तो ठीक है, ओके। तो जो चौथा पॉइंट यार वो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भैया 10th बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, 10th बोर्ड की क्या अहमियत है यार। 10th बोर्ड टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूँ तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, पर उस पर जो CG आती है, फिर जो भी परसेंटेज आते हैं वो तुम्हारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होने चाहिए। यार मैंने पर्सनली स्कोर किया था 9.8 CGPA, ठीक है, मेरा ऑप्शनल वहाँ पे ऑप्शन था शायद संस्कृत था, ठीक है, और उसने बहुत बुरी वाली लगा दी थी, ठीक है। तो संस्कृत पता नहीं क्यों लिया था, आता भी नहीं है मुझे, बिल्कुल उस वक्त भी नहीं आता था, ऐसे तक नहीं आता अभी भी, ठीक है। और मतलब उस लेकिन मैं एक चीज़ समझ गया था, अगर कुछ मार्क्स के लिए कुछ भी पढ़ा जा सकता है, मतलब कुछ भी, इतना रट्टा मारा था ना उस चीज़ का। तो क्लास 10th बोर्ड इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम प्राउड महसूस करवा सकते हो क्योंकि उनके लिए वो काफ़ी अच्छा होता है, तुम देखोगे तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्लास 10th बोर्ड्स को लेकर, तो तुम उनके लिए ज़रूर, उनको प्राउड महसूस करवाने के लिए ज़रूर उसमें एक अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, पर दोनों मैनेज आराम से हो जाते हैं, तुम्हारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन और 10th बोर्ड्स हालांकि 2-3 महीने का खेल है, ठीक है। मैं वीडियोस खूब बनाने वाला हूँ उसके ऊपर कि मतलब कैसे तुम लिख सकते हो आंसर, कैसे तुम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो 10th बोर्ड में, तो बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो क्लास 10th बोर्ड टू बी ऑनेस्ट मतलब ठीक है, अगर तुम 90% प्लस स्कोर कर रहे हो तो इट इज़ गुड, ठीक है। और मतलब वो तुम्हारा पर्सनल है, मतलब ऐसा कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो खुद पे डिपेंड करता है कि तुमको लाने हैं ज़्यादा परसेंटेज की लाने, ठीक है, बस। वैसे तुम अगर ये की तैयारी कर ही रहे हो तो ऐसे तुम्हारे 10th बोर्ड परसेंटेज अच्छे ही आते हैं, मैंने आज तक जितने के भी देखे 10th परसेंटेज अच्छे होते हैं। तो भैया आपने इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ कैसे पढ़ा, ठीक है, ये मेरे पास बहुत आया कि भैया आपने इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ कैसे मैनेज कर लिया NTSC की तैयारी में और ये JEE की प्रिपरेशन 10th क्लास से कैसे मैनेज कर लिया। तो यार देखो मेरी एक ऐसे मेरे साथ पता नहीं क्यों ही होता है कि मैं इंग्लिश साथ मेरा 9th से ऐसा झगड़ा है कुछ कि मैं पढ़ के जाता हूँ या फिर बिना पढ़े जाता हूँ, मार्क्स सेम ही आने हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरे 70 में से 50 आ रहे हैं तो 50 ही आएंगे अगर मैं पढ़ के भी जाऊँगा, तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया, ठीक है, क्या इंग्लिश अब लास्ट के 1-2 दिन में जितना होगा उतना ही करेंगे, ऐसे कुछ भी अब नहीं करने वाला, रोज तो नहीं हो रहा इंग्लिश। सोशल स्टडीज़ की बात करें तो सोशल स्टडीज़ आराम से 10 दिन में तुम कवर कर सकते हो आराम से, अगर तुम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चैप्टर्स में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था यार सोशल पढ़ने में, पता नहीं क्यों, ठीक है, पर मतलब सोशल स्टडीज़ यार तुम पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यार वो मैं तुम्हें बताऊँगा जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आएंगे। तो सोशल स्टडीज़ यार ऐसी चीज़ है जो तुम रट्टाफिकेशन से आराम से हो सकता है, हर बच्चा कर सकता है, भैया मुझसे रट्टा नहीं जाता, तो यार तुम्हारे से JEE भी नहीं निकलेगी फिर तो, ठीक है, क्योंकि JEE में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक बहुत है जो तुम्हें रटनी पड़ेगी। तो तुम्हें एक भैया मैं तो समझता हूँ चीज़ें, मुझे रटना नहीं आता यार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चीज़ों को समझो, बिल्कुल सही है चीज़ों को समझो, पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद करनी ही पड़ेंगी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। तो रटना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है जो तुम्हें अंदर आनी चाहिए, जो ये बेस्ट टाइम है तुम्हें सिखा सकता है, ठीक है। सोशल स्टडीज जितना रटो उतना बेस्ट है, आखिरी के 10 दिन में कवरअप हो जाता है, ठीक है, बोर्ड्स की इतना कोई चिंता मत लो तुम लोग, ठीक है। भैया मैं NTSC और दूसरे ओलंपियाड्स की तैयारी कैसे करूं, यार इनकी बुक्स आती हैं, ठीक है, मैट की बुक्स आती है मेरे पास, मैंने कुछ खरीदी थी, ठीक है, वो तुम सॉल्व करो। मोस्ट कोचिंग की तैयारी करवाती है वहाँ से कर सकते हो, किसी कोचिंग की मॉड्यूल ही ले लो कि अच्छा मैं थोड़े टफ क्वेश्चन कर लेता हूँ, चलो काइनेमेटिक्स है, ठीक है, 9th क्लास में हो तुम, काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसके अच्छे क्वेश्चन कर लो कुछ। NCERT के क्वेश्चन बहुत रद्दी हैं, ठीक है, सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल रद्दी हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल इक्वेशन तो मोशन लगाना है और हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है,
कोई अच्छी मॉड्यूल उठा लो किसी कोचिंग की, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन से वो ड्राई मारो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन स्टॉर्म होगा, ब्रेन तुम्हारा बढ़ेगा, ब्रेन तुम्हारा खुलेगा और तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाएगी, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा चीजों में। अरे ऐसे भी होता है क्या, अरे ये भी लगता है क्या, अरे ग्राफ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या। तो ऐसे ही यार, मतलब तुम ऐसा, मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आईआईटी की तैयारी तुम अभी 9th 10th में पूरा 11th 12th का सिलेबस खत्म कर लो, नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एनटीसी की तैयारी यार तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे कोई भी उनके मैट वैट की बुक्स हो गई, जो उनके लिए बुक्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तुम एनटीसी की तैयारी करोगे, जेएसओ की, फिर कोई भी ओलंपियाड की तैयारी करोगे, तुम्हारा ब्रेन बहुत कुछ नई चीजें सीखेगा जो कि अपन नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ के नहीं सीख पाते, ठीक है। तुम जब एग्जाम दोगे तब तुम चीजें सीखोगे कि जब अपन नर्वस होते हैं तो हाथ में से पसीना निकलता है, पेन फिसलता है वहां पे, ठीक है, दिमाग चलना बंद कर जाता है। तो ये सब, मैं एनटीएससी, मैं स्कॉलर नहीं हूँ एनटीएससी स्कॉलर, पर मैंने उस एग्जाम से बहुत कुछ सीखा उसके बाद कि एनटीएससी में ये गलतियां हो गया, मुझे जेई के अंदर ये गलतियां नहीं करनी है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज सीखनी है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें तुम्हें अच्छे से करनी है, ठीक है। तो यही है बस जेई प्रिपरेशन 9th 10th में तुम्हें कैसे करनी है। कोई मुझसे पूछता तो मैं ये बोलता हूँ सिंपल ओलंपियाड से तैयारी करो, ऐसे को तुम 11th 12th कवर नहीं कर सकते पूरे 9th 10th में। और एक चीज मेरी याद रखना यार कि थोड़ा बहुत 11th कवर कर सकते हो तुम 10th में, तो ट्राई मारो कवर कर लो, ठीक है। कुछ कोचिंग्स ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि हम 6 महीने पहले 11th का सिलेबस कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं करती वो लोग। तुम्हें खुद से बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, खुद का इनिशिएटिव, खुद बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ तुम्हें एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। तभी तो यार ऐसा होता है कि 10 लाख लोग देते हैं और 10,000 सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो 10,000 लोग खुद से बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, कि उनको चीज चाहिए वो तो चाहिए। ये तुम्हें ऐसी एटीट्यूड लगाना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज में। ये बिल्कुल बेस्ट है कि तुम अपना एटीट्यूड ये बनाओ कि मुझे ये एग्जाम निकाल लिया, मैं निकाल के जाऊंगा, ठीक है, मुझे बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लाने, जेई की तैयारी के साथ करते करते बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाऊंगा, ठीक है। मैं अपनी तुम्हें 12th के बोर्ड के परसेंटेज बता देता हूं, ठीक है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, वो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में थे 98 98 99, ठीक है, और जेई के अंदर भी मैंने जेई भी निकाल दी थी साथ में। तो ऐसा कोई यार पता नहीं होगा ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सब साथ में मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत आराम से मैनेज होता है, ठीक है, बहुत आराम से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बस करनी आनी चाहिए। तो यार वैसे वीडियो में मैंने सब कुछ तो कवर कर दिया था, पर एक बार मैंने सोचा कि तुम्हारी कम्युनिटी पोस्ट देख लेता हूँ, तुम्हारे जो कमेंट्स थे, तो वही कुछ अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग भी थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार तुम लोग भी देख लेना कोई पॉइंट मेरे से शायद मिस हो गया हो। भैया आई एम इन क्लास 10th ना, माई ड्रीम इज टू क्रैक IIT, आई नीड योर गाइडेंस दैट हाउ कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन फॉर JEE IIT इन 10th क्लास। वंश खन्ना ने मुझसे आंसर पूछा, उसके नीचे बहुत सारे रिप्लाई भी थे। यार तुमने माइंडसेट बना लिया है ना, अब एक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो बस जो आज इस वीडियो में मैंने पहले बता रखा है उन सब चीज़ों को फॉलो करो। भैया आई एम 9th एंड ड्रीम इन व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन आई कैन डू, शुड आई स्टार्ट 10th साइंस मैथ्स इफ आई फिनिश 9th सिलेबस, शुड आई रिवाइज विच आई हैड स्टडीड। फ्लेम गेमिंग ने पूछा कि भैया मैं 9th सिलेबस रिवाइज करूँ क्या, या 9th का सिलेबस इतना सा है, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई चीज़ें तो वो एक बार सफिशियंट है, ठीक है, उसको बार बार पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 9th में तुम थोड़ा बहुत 10th कवर कर लो, 10th में थोड़ा बहुत 11th कवर कर लो बस। वैसे यार मैं टाइम के ऊपर इतना कुछ कमेंट नहीं करता हूँ, पर तब भी यार मैं बोलूँगा कि यू कैन गिव अराउंड 4 to 5 hours डेली, ठीक है, 4 to 5 hours इज सफिशियंट इफ यू आर गिविंग असाइड ऑफ, मतलब कर रहे हो, ठीक है। कैन आई क्राइक IIT JEE ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस लाइक अनअकैडमी, यस यू कैन डू। सर हाउ कैन आई कैन मैनेज कंप्लीटली क्लास 11th 12th बिफोर एंटरिंग 11th, इट इज़ नॉट पॉसिबल ब्रो। यार 11th 12th का सिलेबस जो 11th 12th पढ़ रहे होते हैं उनसे नहीं होता है, तो तुम कैसे कर लोगे 9th 10th में, ठीक है। तो इट इज़, और जिस क्लास में वो चीज़ हो रही है ना उस क्लास में तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें पहले पढ़ी जा सकती हैं, पर नॉट फुल सिलेबस। जो पहले पढ़ी जा सकती है वो चीज़ मैंने अपने वीडियो में बता रखी है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो तुम पहले, तो केमिस्ट्री पढ़ी जा सकती है पहले। यस भैया क्वेश्चंस करने के तो मन बहुत करता है, जैसे ही RDRS से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या है, जो तुम 11th 12th में पहुंचोगे ना तो ये और चीज़ें बढ़ जाएंगी, और मेरे पास यही मैसेज आते हैं, भैया मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। यार 9th 10th में यही सीखा है RD शर्मा सॉल्व करके मैंने भी, कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो एग्जाम्पल करके सीखो, क्वेश्चंस बन जाएंगे अपने आप, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यार अभी तुम्हारा है ही क्या जो तुम्हारा लो हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। RD शर्मा के अंदर हर एक एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें उनके एग्जाम्पल से मिल जाएगा, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स को देखो। एंड इज टेकिंग फिफ्थ ईयर क्लास 9th इज अ गुड ऑप्शन, यार दोनों आराम से मैनेज हो जाते हैं, तुम्हें पता है फाउंडेशन कोर्स और स्कूल, बस दोनों पे ध्यान दो, ठीक है। अगर तुम स्कूल में हो तो स्कूल में पूरा अच्छे से पढ़ो, फाउंडेशन में हो तो वहाँ जाके अच्छे से पढ़ो, उनके असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, इनका होमवर्क कंप्लीट करो, बस आराम से हो जाता है, सब कुछ मैनेज होता है, ठीक है, बस। और कितना फ्री टाइम है यार, हो जाएगा आराम से मैनेज।
ऐसा मैं कोई तुम्हें देखो एक ऐसे मैजिक नीज में बता दूं कि ऐसे ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा, हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो यार ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी कभी स्कूल के असाइनमेंट छूट जाएंगे, कभी यहाँ का असाइनमेंट छूट जाएगा, चलता रहता है, पर ये इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, प्रिपरेशन का पार्ट है यार। यही मैं एंड ऐसे ही करूंगा इस वीडियो का कि बिल्कुल अपना पूरी जान लगाओ यार, मचाओ खूब, ठीक है, फोड़ना भी और मचाना भी है, खूब मचाओ, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो का यार, वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक बटन है दबा दो, नीचे सब्सक्राइब बटन है वो भी दबा दो, और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करो और उधर फॉलो भी कर सकते हो, और नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन हो तो डाल देना, ठीक है। एंड करते हैं इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब तो मैंडेटरी है। चलो लेट्स एंड द वीडियो, लेट्स सी या, गुड बाय बाय।